नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए दो दिनों की सैलरी कटाई है। बैंकरों ने एक दिन की 3-3 हजार की सैलरी कटाई है। सभी कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल के लिए कुल कितनी सैलरी कटाई है, हमें इसका एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम 1000 करोड़ तो आज और कल के कट ही जाएंगे। इसके पहले भी दो दिनों की हड़ताल में सैलरी कटी थी। तो क्या 4 दिनों की हड़ताल के लिए बैंकरों ने कोई 2000 करोड़ रुपए का वेतन कटवाया है? जी, हम निजीकरण के बिल्कुल खिलाफ हैं, और ये हम अपने लिए नहीं, ये देशवासियों के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हम पहले भी बता चुके थे कि निजीकरण का अगर बिल पेश होता है या कोई भी कार्यवाही इसके ऊपर होती है तो हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे। कितनी सैलरी आपने कटवाई? औसतन 3000 रुपए पर दिन। हाँ। एक दिन की है। हाँ। दो दिन की 6000। अगर हम देखेंगे टोटल, अगर 10 लाख एम्प्लॉइज की बात करूं मैं, तो 300 करोड़ रुपए। बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट जो है हर सेक्टर को निजीकरण, हर सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रही है। हम लोग ये अपने हक के लिए, और जैसा कि मैम ने बोला है, पूरी कंट्री के लिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं, और हम लोग को इसमें बिल्कुल सैलरी कट का मतलब बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि हम कटा रहे हैं, बिकॉज ये फाइट है और ये हम लोग को अल्टीमेट रिजल्ट पे ले जाएगी। तो हम लोग को, वी आर डेडली अगेंस्ट दिस प्राइवेटाइजेशन। हजारों करोड़ रुपए की सैलरी कटाकर बैंकर हड़ताल कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जिन चैनलों को वो देखते होंगे यानी गोदी मीडिया, उन पर खूब कवरेज भी हो रहा होगा।